मेरी जान मेरे साथ रही, तेरे को फूल में दे दूंगा और तू मेरे को देती है। तू तो इसकी कमर तक भी नहीं आता, तो मैं इसके लिए टाके तो ले सकता हूँ, जरूरी है कमर तक आना। मैम कितने महीने की प्रेग्नेंट हो आप? दो महीने की प्रेग्नेंट। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट हो गई। 10 रात इसके साथ सोया हूँ, सुन में आई जब ये जाके प्रेग्नेंट हुई है। कैसे लेता है फिर मुझे? कैसे लेता है, कमर पकड़ी गुचुक गुचुक कर। तो हांजी मैडम आपने बुलाया, क्यों बुलाया एक बार बताएंगे आप? भैया ये ना मेरे स्टूडेंट है, मैंने इसे भगा के लाई हूँ। आप इसको भगा के लाए हो? हाँ जी। क्यों मैडम? क्योंकि मैं ना इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। क्या क्या क्या? मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो आप? हाँ। आपकी उम्र कितनी है मैडम? मेरी 25 साल। अच्छा, तेरी कितनी है बेटा? मेरी 13 साल। भाव बताओ, 25 साल की मैडम है और ये 13 साल का है, और मैडम आप कह रहे हो ये आपकी बच्चे का बाप बनने वाला है और आप इसके हाँ। बच्चे की माँ बनने वाली। मैं नहीं बन सकता इसका बाप, इसके बच्चे का बाप। तू मैंने इसको भगा किस लिए लाया हूँ? फूल मजे देने के लिए तो लाया हूँ। अबे तेरा खड़ा हाँ। भी होता है? क्यों नहीं होता खड़ा, क्यों नहीं होता? फूल मजे देता हूँ, पूछ इससे। क्या कह रहा है मैडम? ये सही कह रहा है, जो मेरे हस्बैंड मेरे को सुख नहीं देता है इसको। अच्छा, और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं अपने हस्बैंड को ये बताना चाहती हूँ कि भाई मैं इससे शादी करूंगी। वो उसको ना वो हमको ढूंढ रहा है, इसलिए हम भग कर आ गए हैं। उसको पता चल गया कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इसलिए हम भग कर आ गए, ताकि इसको मारना चाह रहा था मेरे को भी और उसको भी, तो इसलिए हम भग कर आ गए और हम शादी करेंगे। तो मैडम आप इसको पढ़ाते थे, आपका स्टूडेंट था मतलब? हाँ स्टूडेंट था। देखो शादी करने के लिए मैं सारा सामान मान भी लाई हूँ सब। वो तो ठीक है मैडम, पहले हम आपसे पूछ रहे हैं ना कुछ कि मतलब आप इसको पढ़ाती थी, मतलब कैसे हुआ ये प्यार? हाँ, कैसे हुआ? पढ़ाती थी, हाँ प्यार हो गया पढ़ाते और क्या। शादी करने का डिसीजन लिया अब आपसे कि आपको किस लिए बुलाया हमने? ऐसा क्या प्यार हो गया, ऐसा क्या प्यार हो गया? ये क्या पढ़ाती थी? प्यार क्या उम्र से होता है क्या? अबे तो ये तेरे को पढ़ाती थी, कपड़े खोल के दिखाती थी जो तुझे प्यार हो गया। सब होता था। क्या होता था? सब कपड़े खोल के होता था। अबे तो क्या ऐसे प्यार कैसे हो गया ये बताना। हम प्यार कितना क्यूट है, ये प्यार नहीं होगा तो इससे क्या होएगा? तो मैडम आपकी उम्र देखो ना, आपके लिए तो ये बच्चे समान ही है, बच्चे तो क्यूट ही होते हैं। तो फिर भी बच्चा है थोड़ी है ये, हमें हमारे बीच में जो हुआ है बच्चा समझ रहा है क्या मेरे को? तू बच्चा थोड़ी है बेटा, तू बच्चा ही है। बच्चा नहीं हूँ मैं, बोल रहा है कुछ मजे देता हूँ, पूछ ले। कुछ कर भी पाता तू इनके साथ? और क्या, फूल मजे देता हूँ, ऐसे प्रेग्नेंट कर दिया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसके बच्चे की माँ बनने वाली और हम साथ में रहेंगे जिंदगी भर। मेरे पास पैसा बहुत है, बस मेरे को जो कमी है ना वो भी इसने मेरे को पूरी कर दिया है। अच्छा, जो कमी थी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बाहर नौकरी करते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आते। और 3-3 महीने नहीं आते? हाँ। अच्छा, इसलिए मैं इसके साथ रहने लगी। शादी को कितने दिन होगा आपकी? शादी को हमारी 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? 4 साल से कभी आपने अपने पति के साथ किया ही नहीं? बस ऐसे ही कभी बीच में आता था, नहीं आता था, उसको आना ना आना एक ही बात है। अच्छा, कभी करते ही नहीं था आपके साथ? नहीं। अच्छा, तो आपका भी मन करता होगा? हाँ, इसलिए मैं इसी के साथ रहने लगी हूँ। अच्छा, तो मैडम आपको तो कोई और भी मिल सकता था, ये बच्चा क्या देख लिया आपने? क्या अभी बच्चा क्या बोल रहा है, बार बार फूल मजे देता हूँ, प्रेग्नेंट ऐसे कर दिया क्या बोल रहा है? तो कैसे कर दिया प्रेग्नेंट बताइए जरा। फूल मजे दे के कर रहा है, पूछ लेना। प्रेग्नेंट कैसे होते हैं पहले ये तो बता दे बेटा। अब मैं क्या बोलूँ, इतनी पूछ लेना इससे, कैसे फूल मजे देते। मैडम कुछ तो बताओ ना, मतलब कैसे ऐसे कैसे हो गया कि एक बच्चे ने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया? मैंने भी नहीं सोचा था ऐसे, मेरे को तो ये पहले जब मैंने टेस्ट किया तो मेरे को तो यकीन भी नहीं हुआ था कि भाई मतलब, फिर मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते थे तो फिर और किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, तो इसलिए मेरे को ये पूरा यकीन है कि ये बच्चा इसी का ही है। तो इसका मतलब आपने कुछ संबंध बनाए होंगे, ऐसा कुछ किया होगा, तभी तो आपको पता होगा ना इसका बच्चा? हाँ, है। हमने कई बार मैं जैसे 7-8 महीने से ही मेरे पास पढ़ता ट्यूशन, तो मेरा मन नहीं लगता था, तो इसलिए घर पे मैं इसको रोक लेती थी, मैं कहती थी यहीं पे रुक जा, तो ये मेरे पास ही रुक जाता था, तो रात में हम साथ में सोते थे, तो इसलिए हाँ कई बार आपस में रिलेशन बन जाता था हमारा। अच्छा, रात को मैडम रात को साथ सोते थे, पर साथ सोने का मतलब ये थोड़ी है, मतलब आप कपड़े उतार के सोते थे, कैसे सोते थे? नहीं, हमारा आपस में रिलेशन बन जाता था, जब मेरे को लगता था मेरे हस्बैंड साथ में सो रहे हैं तो मेरे को हमारा आपस में रिलेशन बन जाता था। अच्छा, आपको ये लगता था ये आपके हस्बैंड हैं? हाँ। तो हस्बैंड समझ के आप उसके साथ संबंध बना लेती थी? हाँ। अच्छा, तो ये कुछ कर भी पाता था ये? क्यों नहीं कर पाता था, प्रेग्नेंट ऐसी हो गई, ऐसे कर दिया इसको प्रेग्नेंट।
अब तो प्रेग्नेंट तो कर दिया बेटा, अपनी उम्र तो देख और उसकी उम्र तो देख। उम्र का कोई लिहाज नहीं होता इन सब चीजों में। प्यार में मजे देती है, पूरे पूरे मजे देती है, मेरे को पूछ ले। प्यार में वो उम्र थोड़ी देखी जाती है। और मेरे हस्बैंड ना मेरे को और मेरे पड़ोसियों से पता चल गया ना उसको कि भाई हमारा ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसने मेरे को बोलने लगा कि भाई की तेरे को मारूंगा ये वो गाली वाली। तो इसके हस्बैंड ने रोक लिया, नहीं तो 6-7 बच्चे पैदा कर देता अभी तक तो मैं। अच्छा मैडम एक बार खड़े हो ना, खड़े होइयो बेटा। अबे तू इसकी ले भी पाता है ये बताना, तू ये देखियो। अबे फूल मजे लेता हूँ, पूछ लेना कितनी बार बोलूं। तू पहुँचता भी है उसके तक? तो पहुँचने का क्या मतलब, कैसे लेता है फिर मजे? कैसे लेता है, कमर पकड़ी गुचुक गुचुक कर दिया बस। अच्छा और क्या, तो बड़ा तेजी लौंडा है तो भाई, बहुत तेज है भाई। तो क्या हो गया आजकल के बच्चों? मैडम ने उसे पढ़ा रखा है बिल्कुल, मैडम ने बिल्कुल भाई, क्योंकि देख छोटे बच्चों को पता नहीं होती है कि जैसे तुम उसको सिखाओगे जिस तरीके से रखोगे उसी तरीके से रहेगा। अच्छा। क्योंकि मैडम को सब चीज पता है भाई। अब वो शादी करवाने आए हो, शादी करवाने आए हो, बकबक करने आए हो? अब तो तुम आप क्या चाहते हो मैडम, आप क्या चाहते हो हमसे? हम तो बस ये चाहते हैं, ये वीडियो हम इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड को पता चला है कि भाई हम दोनों ने शादी कर ली है, इसलिए उसको हम दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे को परेशान ना करे बार बार। वो ना हमें बंदूक लेके घूम रहा है हमारे पीछे ताकि हमें मार देगा जान से दोनों को। तो मैडम मारेगा ये? आप बच्चे से शादी कर रहे हो, मतलब ये डिसीजन कहाँ से आ गया आपके पास कि आप इससे शादी करोगे? मैं अब एक बहुत तो प्यार अंधा होता, हमने जो करना था वो कर लिया, अब हमने शादी करना, इसलिए मैं यहाँ पे छुप के जंगल में रह रही हूँ। यहाँ पे हमें कोई देख नहीं पाएगा। पैसा बहुत अच्छा आती थी, मैं बड़ी बिल्डिंग भी ले सकती थी, मेरे को हर महीने पैसे भिजवाता था, मैं भी पढ़ा पढ़ा के बहुत पैसे कमाया मैंने, पर चाहती थी मैं बड़ी बिल्डिंग भी ले सकती, पर इसलिए जंगल में रहना पड़ रहा है क्योंकि उसके चक्कर में। इसलिए अब शादी कर लेंगे ना फिर हमें कोई डर नहीं है किसी का भी। अच्छा तो भाई तू भी शादी करना चाहता है? और क्या, जब तो आया हूँ, तुम्हारे को किसने बुलाया है शादी? तेरे घर वाले, तेरे घर वाले कुछ ना कह रहे? नहीं कहते, जब तो भाग के आ गए हम। तो बेटा तू इसके साथ रह भी लेगा, ये देखना कितनी कितनी बड़ी है तेरे से उम्र में। उम्र में कितनी बड़ी है तुझसे? उम्र का कोई लिहाज नहीं होता, कितनी बार बोलू। जब वो जवान होगी ना, जब वो बुढ़ी होगी ना, तू जवान हो जाएगा, ठीक है? वो तेरे को बेकार लगेगी। एक बात बताओ, कुछ नहीं होता, चल। एक बात बताओ मैडम, तुम शादी करवाने आए हो क्या करवाने आए हो? जब ये बच्चा जवान होगा तो तुम बुढ़ी हो जाओगी। जब ये अभी 13 साल का है ना, और 17 साल बाद या 30 साल का होगा, तुम कितने साल की होगी? तुम 45-50 साल की हो जाओगी। तो तुमसे प्यार करेगा वो? नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा फिर? ये मेरी जिंदगी भर मेरी सेवा करेगा, मेरे को देखेगा, संभालेगा, सब कुछ करेगा। उन्हें दूसरी शादी कर ली तो वो क्यों करेगा? जब जीने मरने की साथ कसम खाएंगे तो जीने मरने के सब कुछ। अब वो नाबालिग है, वो नाबालिग है तो क्या हो गया? हम दोनों मर्जी से शादी कर रहे हैं अपने, ये थोड़ी ना जबरदस्ती से शादी कर रहा हूँ मैं। अबे तुमने तो उसको बहका लिया ना, बच्चा है वो, बहकाया तुमने उसको, बहकाया बहलाया फुसलाया तुमने उसको। मैंने उसे कोई बहलाया फुसलाया नहीं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं आपस में। अच्छा चलो ठीक है भाई, जब इनकी राजी नामा है तो भाई इनकी शादी करवा लेते हैं। तो एक कुछ नहीं, बस हम शादी करना चाहते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। मैडम ये है कौन है आपका? ये अब मेरा हस्बैंड बनने वाला है, अब मैं शादी करूंगी। पहले क्या था आपका? पहले चाहे कोई भी था नहीं था, पर हमारे दोनों साथ। तो एक बार आप बता दो हमारे व्यूअर्स को। पहले हमारा टीचर, ये मैथ्स की टीचर थी। माला पहनाना है ऐसे? अबे पहले माला तो तमीज से पकड़ ले, माला पकड़ ली ना रही, माला पहना रही है हैं? ऐसी पहना देते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है माला। तो मैडम आप साथ निभाओगे एक दूसरे का? मेरी जान को मैं पक्का साथ दूंगा, पूरा पूछ ले। हम दोनों जिंदगी भर प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को और पक्का साथ देंगे एक दूसरे का। और क्या, तो भाई एक बार गले मिल लो और बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप दोनों ने शादी कर ली। तो मैडम हमेशा खुश रखेगा? हाँ रखूंगा, पूरे मजे देगा ना। चलो भाई ठीक है भाई, देखो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देख लो भाई आज एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से शादी कर ली। तो भाई वीडियो ने ज्यादा शेयर करो। देखो भाई टीचर ने अपने स्टूडेंट से शादी कर ली है और दोनों बहुत खुश हैं। खुश हो ना भाई साथ में? तो भाई कल को मैम ऐसा तो नहीं होगा, कल को आपके हस्बैंड आ जाएं, कल को आप उसको बच्चा कह के छोड़ दो? चाहे वो आए चाहे ना आए, मैं इसको ना ही मैं ये इसको छोड़ूंगी ना ही ये मेरे को छोड़ेगा। अच्छा छोड़ोगे ना एक दूसरे को? नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, दोनों साथ में रहेंगे। अगर आपके मैके वाले आपको बोलने लगे तो? चाहे कोई भी बोले, चाहे दुनिया इधर से उधर, हमने जो फैसला ले लिया ले लिया। अच्छा अब हम साथ में रहेंगे। ओके।